छह हफ्ते पहले आपके चाचा ने यह संदेश रिकॉर्ड किया था। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद यह आपको सुनाया जाए। आर्थर, तुमसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस अगर तुम यह देख रहे हो तो इसका मतलब कि मैं नहीं रहा। पर खुशखबरी यह है कि तुम मेरी सारी जायदाद के इकलौते वारिस हो गए हो। मैंने अपने वकील मिस्टर बेन को समझा दिया है कि मेरी मौत के बाद वो तुम्हें मेरी जायदाद की सारी चीजें सौंप दें। इन्हें वो दे दो बेन। ये क्या? ये कहाँ की चाबी है? तुम्हारे नए घर की। अरे वाह, ये घर मेरी जिंदगी भर की कमाई है। बाथरूम? अरे वाह, हरे को अलग अलग बाथरूम मिलेगा। यकीन नहीं हो रहा। बहुत ही अनोखा घर बनवाया था मैंने, मेरे सपनों का घर, मेरा घर। मुझे कोई गिला नहीं, मुझे जिंदगी में सब कुछ मिला। बहुत अजीब गरीब चीजें देखी है मैंने। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें करीब से नहीं जान सका आर्थर, ना तुम्हारी तरह परिवार का प्यार पा सका। ये सच कह रहे हैं। ये घर मेरी ओर से तोहफा है, इसे कबूल करो। रईसों की तरह रहना। शायद फिर मुलाकात हो अगले जन्म में। अरे वाह, हम वहाँ कब जा सकते हैं? घर आपका है, आप जब चाहें जाइए। वैसे मैं आज शाम वहीं पे जा रहा हूँ। अगर आपकी बीवी और बच्चे चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे जा सकते हैं। रुकिए रुकिए, आपको गलत फहमी हुई है, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। मेरी बीवी तो हमारी मम्मी तो आग में जलकर मर गई। चुप करो। अरे ये सच है? बहुत हो गया बेटा। अब मिस्टर बेन, वैसे ये जगह है कहाँ पर? यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर एक विलो ग्रोव नाम का शहर है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, पर आप इतना जान लीजिए, आपके चाचा शोर शराबे से दूर रहना पसंद करते थे। दूर दूर तक कोई पड़ोसी नहीं है।